10 जनवरी को जन्मे हैं अगर आप, तो आप हैं एक रॉयल पर्सनैलिटी के मालिक। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक प्रवृत्ति की होती है। आप एक अच्छी सोच वाले इंसान हैं, दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। आप लोगों को सभी से प्यार और सम्मान उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा मिलता है। लोगों से काम लेना आप अच्छे से जानते हैं। फिजिकल वर्क करने की बजाय आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अपना कार्य क्षेत्र भी आप ऐसा ही चुनते हैं जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ कम से कम हो। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी काम को करने से पहले काफ़ी जांच परख करने के बाद ही उस काम को करना पसंद करते हैं। यात्राएं करना भी आप बेहद पसंद करते हैं। यात्राओं के जरिए आप अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप लोगों को सरकारी और ऊंचे पदों पर भी देखा जा सकता है। अगर सरकारी पद पर नहीं भी होते हैं तो प्राइवेट संस्थानों में भी अच्छे पद पर कार्य कर रहे होते हैं। व्यापार या नौकरी, हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करते हैं। आप लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं अत्यधिक सफलताएं और ऊंचा मुकाम हासिल करके ही रहते हैं। सुर्खियों में रहना आपको बहुत पसंद है, हर काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एनर्जेटिक तो होते ही हैं, अपने इरादों के पक्के होते हैं। एक बार जो मन में डिसाइड कर लिया उसे पूरा करने की जी जान से कोशिश में लगे रहते हैं। स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं। अपना बिजनेस भी इंडिपेंडेंटली अकेले स्वतंत्र होकर चलाना पसंद करते हैं, जिसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि आप लोग किसी के भी दबाव में रहकर काम नहीं कर पाते। धन के मामले में भी आप भाग्यशाली साबित होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पर आप खर्चा भी करते हैं। ईमानदार हैं, काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, मिलनसार होते हैं, दोस्त बहुत होते हैं आपके, बात के भी धनी हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। जिंदा दिल इंसान, खुश मिजाज, अच्छा पहनना, अच्छा खाना पीना, फैशन के हिसाब से चलना आपका पैशन है। हमेशा सच का साथ देते हैं और झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपनी बात के पक्के होते हैं, बहुत ही केयरिंग नेचर है, रोमांटिक भी काफ़ी होते हैं, अपने प्यार को लेकर काफ़ी गंभीर होते हैं। भले ही आप ऊपर से कड़क मिजाज लगते हों, लेकिन अंदर से आप बहुत ही कोमल हृदय वाले होते हैं। आप लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि आप बाहरी दिखावा ज़्यादा करते हैं। आपके आकर्षक और रौबदार व्यक्तित्व को देखकर लोग अक्सर आपकी ओर आकर्षित भी होते हैं। आप लोगों के ज़्यादातर प्रेम विवाह देखे गए हैं। जिस तरह से आप स्वयं अपने पार्टनर के लिए लॉयल और कमिटेड रहते हैं, वैसे ही उम्मीद आप अपने पार्टनर से भी रखते हैं। रिश्तों में आप ईमानदारी रखते हैं। एक जिम्मेदार इंसान के रूप में आप निखर कर आते हैं और अपनी जिम्मेवारियों से कभी पीछे भी नहीं हटते हैं। थोड़े भावुक होते हैं और बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा भी कर लेते हैं, जिसका आप लोगों को कई बार खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। लेकिन एक बात पक्की है कि जिससे भी आप प्यार करते हैं उसका हमेशा ख्याल रखते हैं, उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण भी आप बहुत अच्छे से करते हैं, उन्हें भरपूर प्यार और समय देते हैं। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। 10 जनवरी को जन्मे हैं आप। आपका मूलांक भले ही एक बनता हो, लेकिन इसमें शून्य की भी एनर्जी छिपी है। एक कांक यानी कि सूर्य की एनर्जी और शून्य यानी कि ब्रह्मांड, सृष्टि की रचना। 1 से 9 तक के सारे अंक इस शून्य के भीतर समाए हैं। शून्य की अपनी एक अलग वैल्यू है, एक अपनी अलग एनर्जी है, जिसके साथ भी जुड़ता है उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। शून्य जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आता है, ऐसा व्यक्ति ग्राउंडेड होता है, ग्राउंड टू अर्थ होता है। वो बड़ी बड़ी बातें हवा में करने वाला नहीं होता, उसके पैर हमेशा जमीन पर रहते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल बात करता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो। अंक एक वालों की अपेक्षा ऐसे लोग थोड़े शांत स्वभाव लिए होते हैं, कम इगोस्टिक नेचर लिए होते हैं। और जनवरी का महीना जिस पर मकर राशि का प्रभाव देखने को मिलता है, आपकी सूर्य राशि है मकर यानी कि कैप्रिकॉन। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपके सोशल स्टेटस को दर्शाती है, आपकी छवि समाज में कैसी रहेगी ये दर्शाती है। ये सब हम सूर्य राशि से जान सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को देख कर चूज करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, हमारे स्वभाव को दर्शाती है, जबकि भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई हमारी डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है।
इसलिए हमें अपने कैरियर का चुनाव अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को देखकर ही चूज करना चाहिए, तभी हमें लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। 10 जनवरी को जन्मे हैं अगर आप, तो स्टूडेंट्स को मकर राशि के शनि और अपनी डेस्टिनी के अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करना होगा, तभी आप अपनी मंजिल आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आप अपने पैशन को तो फॉलो कर सकते हैं बट डेस्टिनी को नहीं। और हमारा भविष्य हमारी सूर्य राशि और हमारा भाग्यांक नंबर है। 10 जनवरी को जन्मे लोगों पर शनि देव की कृपा दृष्टि बरसती है। अब यहाँ पर कृपा दृष्टि से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और अधिक विकसित होगा। मेंटली और टेक्निकली फील्ड की अपेक्षा फिजिकल एक्टिविटीज में ये ज़्यादा एक्टिव रहेगा। शनिदेव जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। काले रंग वाले शनिदेव, जिस पर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं पाता, वो सभी को एक समान फल देते हैं। बुरे कर्म का बुरा फल और अच्छे के साथ अच्छा करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। 10 जनवरी को जन्मे हैं आप, तो आप लोगों पर सूर्य देव और शनि देव का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, शत्रु राशि हैं। एक और सूर्य को सात्विकता और शुभता फैलाने वाला ग्रह माना जाता है, व्यक्ति में ये प्रकाश फैलाता है, तो वहीं दूसरी ओर शनि को तामसिक और कठोर ग्रह माना गया है। ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और अंधकार पैदा करता है। अब प्रकाश और अंधकार का मिलन एक विचित्र भी परिणाम देगा, इससे सूर्य भी दूषित होता है और शनि भी। सूर्य को पिता माना गया है और शनि को उनका पुत्र, जिस कारण इसका प्रभाव 10 जनवरी को जन्मे लोगों पर भी कम या ज्यादा देखने को मिलेगा। इससे पिता पुत्र में तालमेल नहीं बैठेगा या फिर पिता या पुत्र किसी भी कारणवश एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर हो सकते हैं। कई बार तो यहां तक देखने में आया है कि पिता या पुत्र दोनों में से कोई एक ही तरक्की कर पाता है। पिता पुत्र में झगड़ा ज्यादा बढ़ जाने पर वो पुत्र को अपनी संपत्ति से दूर भी कर सकता है। सूर्य प्रकाश है और शनि अंधकार, रोशनी अंधेरे को समाप्त कर देती है। प्रकृति का ये नियम है कि अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक के समाप्त होने पर ही दूसरे का अस्तित्व रह पाता है। आपके स्वास्थ्य में परेशानी बनी रह सकती है, धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, आपकी वाणी उग्र हो जाने पर काम बिगड़ने लग सकते हैं। काफी मेहनत करने के बाद ही कठिनाई से सफलता हाथ आएगी। यहाँ तक कि आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है। पति पत्नी में एक दूसरे को झेलने जैसी स्थिति आ जाती है, कभी कभी तो हिंसात्मक स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर और शनि मजबूत स्थिति में हुआ तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति ही आपके कम या अधिक प्रभाव का संकेत देगी। अगर कुंडली में शनि उच्च के हुए तो 36वें वर्ष के बाद थोड़ी स्थिरता आनी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ शनि व्यक्ति से कठिन परिश्रम अवश्य करवाता है। जितना अधिक हो सके पिता के साथ अपने संबंध को अच्छा रखें, ज्ञान अर्जित करते रहें, आत्मिक साधना करते रहें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, बजरंग बली की शरण में रहें, सूर्य नमस्कार करें, शनिवार को सरसों के तेल का छाया दान करें, काली वस्तुओं का दान करें, बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, घर से बाहर काम के लिए जाते समय उनका आशीर्वाद लेकर ही बाहर निकलें, जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह मशवरा भी करते रहें। शनिवार के दिन आप जरूरतमंदों को जूते, चप्पल, जुराबे, कंबल भी दान दे सकते हैं। और हाँ, भूलकर भी कभी भी कटे फटे कपड़े और फटे अंडरवेयर गारमेंट्स
फटे मोजे रुमाल बिल्कुल भी ना रखें। अपने शरीर को और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 2 का अंक, 3 का अंक और 9 का अंक। 2 का अंक जो कि चंद्रमा का है, 3 का अंक जो गुरु के हैं और 9 का अंक मंगल, ये सब आपके मित्र अंक हैं। वहीं 5 का अंक जो कि बुध का अंक है, ना वो अच्छे हैं ना बुरे हैं, आपके साथ समान रूप से हैं। आपके शत्रु अंक बनते हैं 4, 6, 7 और 8। 6 का अंक शुक्र का, 8 का अंक शनि का, दोनों राक्षस प्रवृत्ति के। 4 का अंक राहु का और 7 का अंक केतु का। यहाँ राहु और केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, इसलिए शत्रु माने गए हैं। आपकी शुभ तिथि होती है 1, 10, 19 और 28 तारीख। शुभ दिन है आपके लिए रविवार और सोमवार। शुभ रंग है तांबई, गोल्डन कलर, पीला रंग, नारंगी कलर, ऑरेंज कलर, कत्थई कलर, भूरा रंग। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके अपने समय में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 दिसंबर से 27 जनवरी और 21 जुलाई से 27 अगस्त के मध्य। और अगर इस समय के बीच में 1, 10, 19 या 28 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म हुआ है तो सोने पे सुहागा। आप लोगों के बीच विपरीत लिंगी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन 21 जून से 27 जुलाई, 21 अगस्त से 27 सितंबर, 21 अप्रैल से 27 मई और 21 मार्च से 27 अप्रैल के मध्य जन्मे लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देखा जा सकता है। अगर आप इन समय के बीच में 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं या फिर कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।